उसी सोच के साथ बड़ा कर रहे हैं कि बड़े होके तुमने पैसे कमाने हैं फॉर एग्जाम्पल आजकल आप लोगों से पूछ no ले सबसे बड़ी वरी क्या है हाँ। कि ग्रेड अच्छे आते हैं आप यकीन करें एवल्स ओ लेवल आप लोगों का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है पेरेंट्स कहते हैं कि मेंटल हेल्थ जाए हमारे बच्चे की भाड़ में हमें अच्छे ग्रेड्स चाहिए ये सारी रातें तुम एग्जाम्स के दिन है लगा लो ठीक है रेड बुल पियो तुम ये वाली टेबलेट्स खाओ और सारी सारी रात जागो एग्जाम्स प्रिपेयर करो एग्जाम्स अच्छे होने चाहिए बाद में मेंटल हेल्थ तुम्हारी ठीक हो जाएगी ही। तो हमारा जो मेन कंसर्न है इस वक्त वो यही चीज रहेगी कि बच्चों के सिर्फ ग्रेड अच्छे हैं जिस सब्जेक्ट ने हमें मॉरलिटी सिखानी थी सर वो था इस्लामिक स्टडीज ना वो भी एक अच्छा कोर्स अगर डिजाइन हुआ होता तो चलो जो भी एटलीस्ट छोटा मोटा था वो आपका मेजर सब्जेक्ट कभी रहा है इस्लामिक स्टडीज तो आपका कभी मेजर सब्जेक्ट नहीं रहा तो और कौन सा कोई स्कॉलर किसी ने कभी आके हमें बाय एग्जांपल लीड किया क्लास में कि इस्लामिक स्टडीज़ क्या होती है मुझे अभी तक याद है वो कारी साहब होते थे और नहीं स्कूल में भी कारी साहब टीचर होते हैं उनको कारी साहब ही कहा जाता था ठीक है और उनका जो लेवल था ना बाकी टीचर्स से बहुत कम था hmm. उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला करती थी इवन स्टूडेंट्स की नज़र में भी वो वाले इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर्स जो थे वो सबसे कम एजुकेटेड समझे जाते थे ठीक है उनके पास भी एक डंडा होता था उस पर टेप चढ़ाई होती थी उन्होंने

एक मेरे पास भी इस तरह से एक मिलता जुलता केस आया है आ, कि जिसमें जस्ट लिसन टू टू द वर्डिंग दर्निंग वो कोई एक प्रिंसिपल हैं मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा जो टीचर हैं जो बता रही हैं कि आप मेरी इसमें हेल्प करें उनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो प्रिंसिपल हैं उनके पास शिकायत जा रही है कि ये इस्लामियात हमें इस तरह से पढ़ा रही हैं और ये करें वो कर रही हैं तो जो जो प्रिंसिपल हैं इतनी शिकायत के बाद उन्होंने टीचर को बुलाया कि आप ऐसा क्यों पढ़ाती हूं तो कि इस्लामीयात में तो जो है मैंने वही पढ़ाना है इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? तो ये प्रिंसिपल है वो कहती हैं फॉर गॉड से टीच देम सम सेकुलर इस्लामीयात ओह इन्ना इलैहि राजिऊन अब सेकुलर इस्लामीयात क्या होती है भाई तो वो खैर उनको जॉब वगैरह भी उनकी चली गई बाद में जो चलेगी मसले बने आपस में और भी काफ़ी प्रॉब्लम थे कि वो कैसे फंड रेजिंग हुई sure वो, वो आपको कोई टेररिस्टिक चीजें नहीं बता रही होंगी क्लास हुँ। में हुँ। वो तो नॉर्मल टीचिंग्स बता रही होंगी प्रॉब्लम ये है कि हम इतने एलर्जिक हो चुके हैं दीन की इवन बेसिक टीचिंग्स है कि हम उसको एक्सट्रीम एक्सट्रीम समझते हैं